हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नक्स वोमिका के लास्ट पार्ट में। तो चलो शुरू करते। सिर दर्द में नक्स वोमिका बड़ी इफेक्टिव मेडिसिन है। सिर को कहीं ठंड लग जाए, उसके बाद प्रॉब्लम हो जाए, तब नक्स वोमिका। ही सेंसिटिव टू कोल्ड एयर। डिस्टेंडेड स्वोलन फीलिंग है सिर में एंड लार्ज डिसेंसेशन है। सिर लगता है बड़ा हो गया। हैवीनेस है, हैवीनेस सुबह के समय है, तो बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। जो ड्रिंक करते हैं सुबह के समय, अक्सर सिर भारा हो जाता है। बड़ी इफेक्टिव मेडिसिन है। सेंसिटिवनेस ऑफ स्काल्प टू टच। पेन, जनरल पेन हो रही है सिर दर्द में, तो बहुत अच्छी है। सुबह के समय दर्द हो, सुबह के समय उठते सार बिस्तर पे ही दर्द हो, तो ऐसे अलग अलग रूब्रिक्स दिए। ठंडी हवा लग जाए तब सिर दर्द हो जाए, तब नक्स वोमिका दे। फिर पहले भी कवर किया था, कोई अल्कोहलिक ड्रिंक्स लेने के बाद हो, रेशे के कारण हो जाए सिर में दर्द, ठंड लगने के कारण हो जाए सिर में दर्द, जुकाम के कारण हो जाए सिर में दर्द, खाना खाने के बाद सिर में दर्द हो जाए, तो बहुत अच्छी मेडिसिन है। हम बार बार पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की कितनी अच्छी मेडिसिन है, और खाना खाने के बाद कोई भी प्रॉब्लम हो तो नक्स वोमिका बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। आफ्टर इमोशनल एक्साइटमेंट, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के कारण सिर में दर्द हो, गाउटी पेन हो सिर दर्द सिर में, इंटॉक्सिकेशंस आफ्टर किसी भी तरह का ड्रग अब्यूज़ हो गया उसके वजह से सिर में दर्द हो, या मेंटल एग्जर्शन से उसका सिर की प्रॉब्लम बढ़ती है ना। हमने इसके कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा था, उसका मेकअप ऐसा है, ज़्यादातर मानसिक श्रम जो ज़्यादा करते हैं उनमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, फिजिकल एक्सरसाइज कम है। बिजनेसमैन है, हाई ऑफिशियल्स हैं, ऊंचे पदों पर बैठे हैं, सिटिंग जॉब है, तो दिमाग ज़्यादा यूज़ होता है। अब मेंटल एग्जर्शन थोड़ा सा भी करना तो सिर दर्द ले आए, तब उसके लिए नक्स वोमिका। तो चाहे माइग्रेन का दर्द हो, यानी कि एक साइड पे चाहे दर्द हो, आंखें घुमाने पर भी दर्द होता है, नर्वस हेडेक, फुट स्टेप्स ऑफ नॉइज़, तो मानसिक तनाव इतना होता है, थोड़ा सा भी शोरगुल हो जाए, पदचिन्ह भी सुनाई दे, तब भी सिर दर्द उसका होता है, और उसको ज़रा भी पसंद नहीं है थोड़ा सा भी शोर शराबा। प्रेगनेंसी के दौरान किसी का सिर दर्द हो रहा है, तब ये अच्छी दवाई है। कोल्ड वेदर से प्रॉब्लम हो, सिर दर्द हो जाए, तब तो है ही है ये। सिर को ढकने से आराम लगता है, इसको वार्म ड्रिंक से, या वार्म इन बेड से, या रैपिंग अप हेड, सिर को ढक लेने से इसको आराम लगता है। फिर लोकलाइजेशन कहाँ पे हो सकती है, फोर हेड पे सिर दर्द हो रहा है, सुबह उठते सार फोर हेड पे दर्द हो, सुबह उठने पे अगर कम हो जाती है, नींद अच्छी आ गई है सुबह उठने से कम हो जाती है, तब भी नक्स वोमिका मेडिसिन है। आँखों के ऊपर, अच्छा, फिर ऑक्सीपिटल रीजन पे है, सिर के पिछले हिस्से में अगर दर्द हो तब भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। एक्सटेंडिंग टू नेप ऑफ नेक, जहाँ पे सिर के बाद गर्दन शुरू होती है वहाँ पे दर्द हो, सिर के पिछले हिस्से में और गर्दन के निचले ऊपर के हिस्से तक दर्द आए, तो अलग अलग सिर में दर्द हो तो बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है नक्स वोमिका। ठंड लग जाए और कोल्ड से प्रॉब्लम हो जाए, तब नक्स वोमिका मेडिसिन। फिर ये अलग अलग रूब्रिक्स हैं, आप चाहें तो पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं, है ना। टीयरिंग पेन, कानों में आवाज़ें सुनाई देती हैं, बजिंग नॉइजेज, रोरिंग नॉइजेज, तब नक्स वोमिका मेडिसिन। और ब्लैडर के, यूरिनरी ब्लैडर में अगर कटार है या पस आ रही है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गई है, ब्लैडर में इन्फेक्शन हो गई है, तब नक्स वोमिका मेडिसिन है। ब्लैडर में पेन हो रही है, और मेन क्या होता है, मरोड़ उठता है, मरोड़ उठता है, एकदम से हाजत होती है यूरिन करने की, जाता है तो यूरिन खुल के नहीं आता, तब नक्स वोमिका मेडिसिन है। स्टूल्स में भी ऐसे ही होता है, ब्लैडर की प्रॉब्लम में भी ऐसे ही होता है। ब्लैडर का पैरालिसिस हो जाए, तब नक्स वोमिका मेडिसिन है। यूरिन रिटेंशन हो जाए, यूरिन की यूरिन ना निकल रहा हो, तब पेनफुल यूरिनेशन है, तब अर्जिंग है बट इनफेक्चुअल है, जैसे मैंने बताया, अर्ज होती है, जाता है तो खुल के नहीं आता, तब नक्स वोमिका मेडिसिन है। पेनफुल यूरिनेशन है ना, हेस्टन टू यूरिन, मस्ट हेस्टन, अदरवाइज यूरिन विल एस्केप, एकदम से भागना पड़ता है, नहीं तो यूरिन बीच में हो जाता है और ड्रिबल करता है, यूरिन ड्रॉप्स निकलते हैं, खुल के नहीं आता,
रिटेंशन रहती है, डिस यूरी यानी पेनफुल यूरिनेशन है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स के बाद हो तब नुकसवमी का ही मेडिसिन है, हेमरॉइड्स के साथ बवासीर की भी ये दवाई है, उसके साथ पेनफुल यूरिनेशन हो जाए, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिन आए, चाहे थोड़ा थोड़ा आए चाहे ज़्यादा आए, तब नुकसवमी का मेडिसिन। प्रोस्टेटिक फ्लूड निकले, थोड़ा सा पानी सा निकले यूरिथ्रल डिस्चार्ज से, मेल में ही होता है प्रोस्टेट, फीमेल्स में नहीं होता है। प्रोस्टेटिक फ्लूड थोड़ा सा निकले, पानी सा निकले स्टूल्स के दौरान, तब नक्सवमी का मेडिसिन। यूरिथ्रा में कॉन्स्ट्रिक्शन महसूस हो, जकड़न महसूस हो, तब ये दवाई है। यूरिथ्रा में यानी वो पाइप जिससे यूरिन आता है उसमें जलन हो रही है, टीयरिंग पेन हो रही है, यूरिनेशन के दौरान हो रही है दर्द, तब यानी कि यूटीआई की बहुत अच्छी मेडिसिन है नक्सवमी का। अब ये जेनिटल्स को भी कवर करती है। फ्रीक्वेंट सेमिनल डिस्चार्ज है, इजेकुलेशंस हैं, नाइटफॉल की प्रॉब्लम है, तब नक्सवमी का मेडिसिन। इरेक्शंस में दिक्कत है, तब नक्सवमी का मेडिसिन। वायलेंट इरेक्शंस होने लगे सुबह के समय, वायलेंट इरेक्शंस में ट्रबल होने लगे, तब नक्सवमी का मेडिसिन है। इरेक्शन बिल्कुल ना हो तब नक्सवमी का मेडिसिन है। जेनिटल्स छील जाए तब नक्सवमी का मेडिसिन है। स्पर्मेटिक कॉर्ड जो पाइप आ रही है यूरिथ्रा के पास जाके टच होती है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाए, पोल्यूशंस हो, नाइटफॉल हो, तब नक्सवमी का मेडिसिन है। सेमिनल एमिशन बहुत रोबस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत स्ट्रांग हेल्दी तगड़ा व्यक्तित्व है किसी का, उसके अंदर अगर सेमिनल एमिशंस हो रहे हैं तब नक्सवमी का मेडिसिन है। डेली पोल्यूशंस है, डेली नाइटफॉल हो रहा है, एवरी नाइट या एवरी थर्ड नाइट तो नक्सवमी का दवाई दो, उसका सेमिनल एमिशंस या नाइटफॉल की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो पोल्यूशंस की बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, चाहे ड्रीम्स के साथ हो, चाहे हाई लिविंग है, सेक्सुअल एक्सेसेस, मैंने बताया था वुमेनाइजर है, वाइन पसंद करता है, वुमन पसंद करता है, वेल्थ पसंद करता है, तो इन चीज़ों के साथ पोल्यूशंस भी होने लगे तब नक्सवमी का मेडिसिन है। आफ्टर मास्टरबेशन सेमिनल मिशन भी हो जाए, सेक्सुअल एक्सेसेस के बाद सेमिनल मिशंस भी हो जाए, स्लीप के दौरान सेमिनल मिशंस हो जाए, सेक्सुअल डिज़ायर बहुत ज़्यादा इसके अंदर मेनली रहती है नक्सवमिका के अंदर। फीमेल जेनिटल्स को भी कवर करती है, ल्यूकोरिया ऑफेंसिव हो, बहुत स्मेल आ रही हो वाइट डिस्चार्ज में, तब ल्यूको नक्सवमिका मेडिसिन है। मेंसेस बस शुरू होने वाले हैं, उससे पहले बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज आ रहा है, तब नक्सवमिका मेडिसिन है। नक्सवमिका में मेंसेस जोन से ज़्यादा आते हैं, कम नहीं आते, ज़्यादा की तरफ आते हैं। मेंसेस डार्क हो गए तब, प्रोफ्यूज हो गए तब, टू अर्ली बहुत जल्दी आ जाते हैं, तब नक्सवमिका मेडिसिन है। मेंसेस प्रोट्रैक्टेड बहुत लंबे चलते हैं तब, ज़्यादा ब्लीडिंग हो तब, प्रेगनेंसी के दौरान किसी तरह की प्रॉब्लम आ जाए, सेक्सुअल डिज़ायर मैंने बताया था इंक्रीज्ड है, चाहे मेल के अंदर चाहे फीमेल के अंदर, बच्चेदानी की सोज हो गई है, बच्चेदानी में पेन हो रही है, बियरिंग डाउन पेन हो रही है, भार पड़ रहा है, ऐसे लगता है कि बच्चेदानी और उसके अंग नीचे की ओर आ रहे हैं, और स्टूल्स जाने की इच्छा होती है उसके साथ। और स्लीप की बहुत अच्छी मेडिसिन है, नींद सी आती रहती है सुबह के समय, नींद आती रहती है, स्लीपीनेस आफ्टरनून में स्लीपीनेस फीलिंग है, शाम को स्लीपीनेस फीलिंग है, खाना खाने के बाद एकदम से नींद आने लगती है, बैठे बैठे नींद आने लगती है। स्लीपलेसनेस की ये एक रेयर मेडिसिन है, किसी को नींद ना आ रही हो, मेंटल एग्जर्शन बहुत करता है, तब नक्सवमी का दवाई देनी है। 200 की एक डोज रात को सोने वक्त दे दो, है ना, 2 दिन 3 दिन बाद रिपीट कर सकते हो तो सेफ रहेगा। आधी रात के बाद नींद नहीं आती, या नींद खुल जाती है फिर आती नहीं, खाना खाने के बाद नींद नहीं आती, एक्साइटमेंट के कारण नींद नहीं आती, मेंटल एग्जर्शन के बाद कोई भी प्रॉब्लम हो जाए तब नक्सवमिका, नींद ना आए मेंटल एग्जर्शन के दौरान, आफ्टर अब्यूज़ ऑफ वाइन, अल्कोहलिक ड्रिंक्स के बाद कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, नींद ना आए, तब नक्सवमिका मेडिसिन है। सो जाता है फिर इसकी आंख खुल जाती है 3 बजे, या बहुत जल्दी उठ जाता है,
जल्दी उठ के फिर उसके बिजनेस के थॉट्स या क्या करना है वो चलने लग पड़ते हैं, जल्दी नींद नहीं आती, या फिर नींद आ गई तो बहुत लेट उठते हैं। फिर बुखार के लिए भी नक्सोम एक अच्छी मेडिसिन है जहाँ पे ठंड लग जाए, और अवर्जन टू अनकवरिंग, बस ढका हुआ चाहिए, ठंड लगती है, कंपी लगती है। प्यूरपरल फीवर में भी दी जा सकती है, डिलीवरी के बाद बुखार हो जाए तब नक्सोमे का मेडिसिन। और लास्ट सिम्टम स्किन का, स्किन में डिसकलरेशन ना हो जाए, पीलापन हो जाए, जॉन्डिस हो जाए गुस्से के बाद, बहुत गुस्सेली मेडिसिन है, इसके पेशेंट को गुस्सा बहुत आता है, तब नक्सोमे का मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, होपफुली यू हैव एंजॉयड दिस कम्प्लीट जर्नी ऑफ नक्सोमे का। नक्सोमे का यहाँ पे कम्प्लीट हुई, पिछले पार्ट्स अगर यदि आपने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो उन्हें देख सकते हैं। अलग अलग चीज़ों को अलग अलग पार्ट्स में कवर किया है। नक्सोमिका के फर्स्ट पार्ट में पर्सनैलिटी आ गई, सेकंड में डाइजेस्टिव सिस्टम को जहाँ कवर करती है, इंडाइजेशन के लिए दी जा सकती है, फिर थर्ड में आ गई रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए दी जा सकती है, फिर फोर्थ पार्ट में आ गया स्टिफनेस, कहीं पे भी हो मानसिक स्टिफनेस, मानसिक परेशानी, मानसिक तनाव बॉडी में रिफ्लेक्ट होता है स्टिफनेस के रूप में, कहीं पे भी जकड़न आ जाए तब नक्सोमिका का बहुत अच्छी मेडिसिन है। और लास्ट में हमने पढ़े उसके जो रह गए थे, सिर में बहुत अच्छी है, नींद के लिए बहुत अच्छी है, जेनिटल्स के लिए बहुत अच्छी है। फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।